सो हेलो गाइस, क्या चल इस वीडियो को किस तो आगे सभी का एक और वीडियो में आज मैं चुका हूँ ओल्ड बेसिन में, जहाँ पर कोई भी नहीं आया। यप, कोई भी नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मैच ऐसा खाली जाने वाला। नहीं नहीं नहीं, बहुत सही मैच होने वाला है और काफ़ी सही स्नैपिंग भी मैंने करी है। मैं गाड़ी उठाता हूँ निकलता हूँ थर्डल की तरफ, और लेकिन आज की गेम प्ले से तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि कमाल के बंदे मिलने वाले हैं। एक मैच में रैंडम्स के साथ खेलूंगा और देखना वो क्या ही रैंडम निकलते हैं। लेकिन अभी के लिए बात करते हैं सोलह मैच की। अब मैं थर्डल आया, यहाँ पे मस्त देखो गनशॉट्स की आवाज़ आ रही थी, ऊपर देखो दो तीन फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है आराम से, मतलब तीन बंदे तो जरूर होने चाहिए। लेकिन मैं जब ग्रेनेड फेंकता हूँ भाई, ये क्या था, मतलब मुझे देखो पेटियाँ दो बंदों की बनी और किल सिर्फ एक का मिला है, ये क्या सीन हुआ भाई यहाँ पे? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, पबजी वाला लाइट है ये। लेकिन एक बंदा नीचे से आ रहा है, ठीक है। तो जो दूसरे किल के लिए मैं बोल रहा था उसकी कसर इस बंदे ने पूरी कर दी, और मेरे को तीन फुट स्टेप आए थे, और तीसरे बंदे की कसर ये बॉट पूरी कर देता है। हाँ वैसे नाम नाम के तीन किल्स तो हो गए, बट स्टिल मजे नहीं आए भाई। मेरे को लगा था तगड़ी फाइट हो रही है, पता नहीं कितने किल्स मिल जाएंगे मेरे को। कोई नहीं, मैं गाड़ी उठाता हूँ और तगड़ी फाइट लेने के लिए मैं जाता हूँ ड्रॉप पे। मुझे लगा भाई क्या पता बंदे आए रखे होंगे, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ पे। ए डब्ल्यू उठाई मैंने फटाक से यहाँ पर, और फिर मैंने सोच एक सेकेंड बस इस बग्गी पे दो बंदे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ओपन में नहीं संभाल पाऊंगा। चलो एक ही है, पहले ए डब्ल्यू से मारने का मैंने ट्राई करा कि भाई सरी बंदा लग रहा है। ओके, इस बंदे की कहानी मैंने तभी की तभी खत्म करी। इसको शुक्रिया कहना चाहिए मुझे जो मैंने एस्टल के नहीं चलाई। मैं लेता हूँ अपनी गाड़ी, ए डब्ल्यू तो थी मेरे पास, 6-6 वगैरह सब है भाई, मजे आने वाले हैं। अपार्टमेंट के पास आया मैं, मतलब ये स्टेडियम वाला एरिया चेक करने, और सीधा मेरे को सीढ़ी में जाना था क्योंकि गनशॉट्स की आवाज़ वहीं से ही आती है। तो बस मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे, जितना मुझे लगता है बाहर की तरफ ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल जैसा मैंने चित्र वर्णन कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखो बंदे बाहर की तरफ ही हैं, और मैं हॉर्न भी बजाता हूँ कि भाई आ जाओ मेरे पास, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आया। तो मैं समझ चुका था ये पक्का थोड़े ना वैसे प्लेयर से थोड़ा डिफेंड करके खेलते हैं। तो मैं टॉप पे आया, अभी तो मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहे कहाँ चले गए, और नहीं भाई कहीं नहीं दिख रहे, मुझे लगा छोटी सी हट के अंदर ऊपर नहीं। और ये मैं PUBG मोबाइल लाइट ही खेल रहा ना, क्योंकि भाई इस गेम में एक बॉडी शॉट में कोई नहीं मरता। वाओ, चलो इंप्रेसिव। अलोन बॉय को मैंने खत्म करा, और ये लिटरली अलोन रह गया क्योंकि इसके साथ इसका एक टीममेट भी था, अगर तुम्हें याद हो। दो बंदे थे रोड पे, मैंने देखा था। तो भाई वो कहाँ चला गया, मेरे को तो दिखा नहीं दूर दूर तक। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ, जाता हूँ डीप एनालिसिस करने की कहाँ ये तो रहा यार। तो इसके टीममेट की तरह ये अलोन नहीं मरने वाला है। देखो यहाँ पर कोई ना कोई तो है, इनका टीममेट ही लग रहा है मेरे को जिस तरह से इस तरफ आ रहा है ये। शिट भाई, ये तो मार सकता था साहिल टू हेडशॉट। भाई कितना ढीलू बंदा लग रहा है ये यार, मन भी नहीं कर रहा मारने का। क्या यार, डिसअपॉइंट कर दिया बंदे ने। कोई बात नहीं, इतना मजा नहीं है इस बंदे से फाइट करने में। मैं गाड़ी लेकर निकलता हूं, और जरा डीपली सुनना, बस सुनना भाई। कोई ना बग्गी, यस मैं यही सोच रहा था भाई, बग्गी जैसी मेरी बग्गी की आवाज क्या है ये। लेकिन यहाँ इनके पास आके मेरे को अच्छे तरह पता चल चुका है कि हाँ उस बग्गी पे दो बंदे हैं, और दो बंदे से ओपन में लड़ना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। नहीं हाँ शिट भाई, खुद के पैर पे मैंने कुल्हाड़ी मार ली यहाँ पे। सच में ये गाड़ी फूटने वाली है बस, और क्या ही बंदे होते हैं यहाँ पे। मैं देखो इतनी तैयारियां कर रहा हूँ, बंदे बिल्कुल अभी फाइट लेंगे। मैं ग्रेनेड टॉस करता हूँ, ये निकल गए इतनी दूर भाई, इतनी दूर नहीं फेंका जाता यार ग्रेनेड, थोड़ा पास आओ। ओ शिट, ओ भाई देखना ये शॉट लग जाएगा मेरे को लग रहा है, अगर ये थोड़ा पास आ गए तो। बहुत सही, ये तो हेडशॉट लगना चाहिए था। अब क्योंकि उसके डबल का शॉट मार दिया है, तो इसने मैंने एसएल कैसे मार दिया। कभी कुछ बच्चे कहें कि भाई अनफेयर फाइट है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बंदा मेरी हालत टाइट करने वाला है। ओ भाई लग गई, बेटा अब नहीं छोड़ने वाला, सच में बहुत स्ट्रगल हो गया। रैम कर दे इस बार तो मैंने इस पे एडब्ल्यू चला के, नहीं तो कोई सिंपल बंदा होता ना। तो भाई अभी तक एस्टल के यूज करके दोनों को मार चुका होता, लेकिन मैं कुछ ज्यादा भाई काइंड हार्टेड हूं, तो मैंने सोचा एडब्ल्यू से मार के मैं ही थोड़ा सा यू नो एफर्ट्स डाल देता हूं। मैंने उठाया देखो उनके क्रेट में से माल, और मेरे को ग्रोजा मिल जाती है, और ग्रोजा उठाकर मैं निकल लेता हूं थर्डल की तरफ, क्योंकि जोन वहीं पर था, पर वहां पर ऑलरेडी कुछ बंदे हैं। एकेएम चलती उस ब्लू वाले घर के आसपास, तो मैंने सोचा ये डब्ल्यू तो है, सीधा क्यों जाना, ट्रिपल स्टोरी की तरफ जाता हूँ। वहाँ पे जो हल्का सा ये हिल है ना, वहाँ पे खड़ा होकर मस्त स्नाइपिंग करूंगा।
वो देखो गाड़ी में बैठ चुका है और मेरे पास बढ़िया मौका सीधा ड्राइविंग सीट पे एम करूंगा, पर वो उतर चुका था और क्योंकि इसका पीछे एक टीममेट भी है, शायद उसने उसको भी वॉर्न कर दिया, क्योंकि देखो दोनों बिल्कुल छुपने वाले हैं, लग रहा है इनकी मूवमेंट से कि हाँ इन्हें पता है मैं आ चुका हूँ इस तरफ। एक तो देखो पेड़ के पीछे बिल्कुल छुप चुका है, उसको तो पक्का पता है कि हाँ भाई ये बंदे में कुछ तो दम है, वाओ यही खौफ तो चाहिए। अब मैं बस देख रहा था इसके दूसरे टीममेट को कुछ करके मैं टारगेट बना सकूं, क्योंकि वो हेड दिखाता मुझे दिख रहा है, यप हियर वी गो, बहुत ही सही साहिल। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ से वहाँ हेडशॉट मारना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पबजी मोबाइल लाइट में है, क्योंकि ऐसे पेड़ से कोई टिप्पी ले रहा और फिर हल्का सा मुंह अपना दिखाए ना तो हेडशॉट लगता नहीं है भाई, वो गोली पता नहीं कहाँ चली जाती है। अब इसका टीममेट, इसके टीममेट को मैंने एक चांस दिया, क्योंकि जब मैंने एक स्प्रे मारा ना इसके 10-15 गोली तो भाई बिल्कुल खत्म होने वाला था ये, और इसने मेरे को 1% भी डैमेज दे दिया था, तो मैं इतनी आसानी से नहीं मारना चाह रहा था। मैंने कहा ले भाई तू मार थोड़ा, उसके बाद खत्म करता हूँ। वेल अभी काफ़ी बंदे बच रखे हैं, हाँ बिल्कुल वो बंदे नहीं बॉट होते हैं, और यार करते हैं किचन डिनर, काश ये आखिरी तो रियल निकल जाता, मतलब आखिरी के 5 बंदे पांच प्लेयर्स मैंने बॉट्स ही मारे। कोई नहीं, इस वाला मैच में मैं आया देखो पहले प्लाजा में, मेरे साथ पूरी एक स्क्वाड खेल रही है, जिनमें से एक तो मेरा मित्र मेरा टीममेट है और उसके अलावा बाकी 2 रैंडम्स हैं। नहीं बहुत ही बढ़िया, मेरे चुप होते गेम की साउंड भी चुप हो जाती है भाई, होता है कभी कभी कोई ना कोई ग्लिच हो जाता है मेरे साथ। अब मेरे को यहाँ पे देखो एक K9 मिलती है, और बस K9 ही मिलती है, इसके अलावा कोई गन ही नहीं मिला मेरे को पूरी इस बिल्डिंग में, इसलिए मैं देखो स्क्वाड नहीं खेलता, क्योंकि एक स्क्वाड एक जगह लैंड करती है ना तो भाई वो लूट सच में 4 हिस्सों में बढ़ जाती है, 3 हिस्सों में कह सकते हो, क्योंकि एक हिस्सा तो अपना भी है। और ये क्या था, व्हाट द हेक, देखो अगर तुम्हें लग रहा है मेरे घर में पुलिस एम्बुलेंस आ रही तो नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रैंडम्स के साथ जब भी खेलोगे ना भाई इनकी ये सारी बैकग्राउंड नॉइस इन रैंडम्स के माइक में से आ रही भाई, पक्का ये लोग गली में बैठ के खेल रहे होंगे, बस यही चीज़ मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करी गली में बैठ के पबजी खेलना, यार थोड़ी ना अच्छी फीलिंग नहीं आती। वेल मैं ऊपर की तरफ निकला, क्योंकि एक किल से मैं बिल्कुल खुश नहीं होने वाला, मैं ये और बंदे चाहिए मेरे को, दूसरी बिल्डिंग से तरफ कोई ना कोई तो होगा, लेकिन मेरे को आती सिर्फ बॉट्स के गनशॉट्स की आवाज़। अब मैंने यहाँ पे मनी मन सोचा स्टिल के उठाऊँ नहीं उठाऊँ, मैंने सोचा छोड़ यार कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं आज मस्त अच्छे से खेल ले, पर नहीं नहीं भाई ये ज़माना नहीं सुधरने वाला, बड़े सही टाइम पे इसने चला दी तो मैंने एस्टल की उठाई नहीं यहाँ से, क्योंकि मेरे को पिटने का शौक नहीं है, यहाँ पर जो भी होगा भाई एस्टल के से पिटेगा, क्योंकि एक ही टीम के मेंबर है भाई, एक भी बंदा एस्टल की यूज़ करेगा पूरी टीम पिटेगी फिर एस्टल के से। यहाँ पर मैंने कोई नॉक देखा और उसको फिनिश करने इसका टीममेट आ रहा है, मेरा मतलब उसका ओपोनेंट, अब देखना ये रैंडम्स मेरे से इंप्रेस होने वाले हैं, नहीं होना चाहिए पर फिर भी हो जाते हैं, बड़ा बॉडी शॉट बहुत सही, खुश होना चाहिए इन बंदों को कि भाई एसएल के होने के बाद भी बंदा K9 से हमको मार रहा है, ये जो नाम अभी तुम पढ़ रहे हो ना इस बंदे के पास थी एसएल के, अब इसकी जगह शायद मैं पिट रहा होता अगर मैं एसएल के नहीं उठाता तो, पर जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने को K9 से ही मारा है ना, नॉक भी K9 से करा, फिनिश तो कैसे कर लो भाई, नॉक करना इज इंपॉर्टेंट। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुका है, लेकिन पता नहीं यार बस सीढ़ियों पे चढ़ने की आवाज़ तो नहीं है बिल्कुल, वो देखो कोने में, इतना भी आसान नहीं होता यार, तुम कोने में बैठ जाओगे हो जाएगा सब कुछ। अब सुनना गौर से, बहुत अच्छे यार भाई बहुत बढ़िया है यार, तुमने तो गजब कर दिया भाई, भाई ऐसा खेलना भाई मुझे पता नहीं था यार, अरे यार मैं भाई हेल्प कर दूंगा, बहुत अच्छे यार ये बंदा लिटरली फैन हो गया, अगर तुम ढंग से ना सुन पाए हो तो बस ये तारीफ करी जा रहा था, भाई तू क्या खेलता यार मुझे भी ऐसा खेलना सिखा देना, और इसके बोलने पर भाई मैं ज्यादा थोड़ा और छोड़ में आ गया, बोटो को भी लिटरली क्विक स्कोप से मार रहा हूँ जो कि आजकल मुझसे लगते नहीं है बट भाई पता नहीं कैसे लग गए, बंदा लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था। गाड़ी लेता हूँ निकल तो स्टेडियम के पास और तुमको अपने आप स्पॉट करना बंदा अगर तुम कर पाओ तो, भाई ये बंदे कहाँ बस स्टैंड पे खेल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा, हॉर्न की आवाज़ आ रही हरियाणा रोडवेज की। अब देखो तुम्हें गनशॉट्स की आवाज़ आ गई होगी, ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है कि बोट है पर इसे पता नहीं भाई ये जो तुम एक्टिंग कर रहे हो ना ये सेम यही एक्टिंग 2018 में भी नहीं करते थे, क्योंकि मेरे को आज तक मजे ही नहीं है भाई ऐसे बॉट फायर देके किसी को बुलाने में, मतलब ये पड़ा हेडशॉट, मतलब बंदा मेरे को दिख चुका है उसके बाद भी वो बॉट बनने का प्रिटेंड कर रहा है, रियली ब्रो फिर तो शायद तो खुद को बचाना चाह रहा है मेरे से, ऐसा नहीं मेरे से लड़ना चाह रहा है। ठीक है एक और बंदा आ चुका है और जितना मेरे को लगता है इसके पास भी एस्टल के या फिर कोई स्नाइपर है, मतलब हाथ में जिस तरह से उसने गन पकड़ रखी है, मेरा किल चोरी हो गया पीछे,
शिट मैन, चोर के घर में चोरी यार, सच में मेरे से सहा नहीं जाएगा। ये देखा मुझे बोट सा भाई, सामने बंदा। यस लेट्स गो टू द लूबी। सीन हो गया यार, बोट लग रहा था एक तो मेरे को, ये सच में बोट लगा मेरे को, जो कि रियल लगना चाहिए था, और बाद में समझ गया कि रियल है, लेकिन पीछे से भाई इसके तीन टीममेट्स ने शायद कवर फायर दिया। देखा ना तुमने, दो दो M4 चलती है भाई। इट्स ओके, हो गया सीन क्रिएट। नहीं करते किचन डिनर, होप सो तुम्हें आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। जरा सा भी मजा आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक कर देना वीडियो को, कुछ प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और मैं तो निकलता हूँ। बाय बाय।